हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम ये एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली रिजवान ने बच्चे ने एक ने हमारे पास यहाँ पर डाउट सेक्शन में जो है एक क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर इज एन इंटीग्रल पार्ट, कि प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो होता है पीसी जो होता है वो किसका इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी किसका पार्ट होता है। प्रोग्राम काउंटर किसके अंदर होता है, रैम के अंदर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, कैसे मेमोरी के अंदर होता है या सीपीयू के अंदर होता है, ये पूछा है। इन्होंने ये भी कहा है, इनका डाउट इसलिए आ रहा है इस पर कि मॉक टाइम पब्लिकेशन की कोई बुक है, उन्होंने इसका आंसर कैसे मेमोरी दिया है, जबकि उनको भी नहीं लग रहा होगा कैसे मेमोरी, तभी उन्होंने डाउट किया है यहाँ पे। और मैं बताऊँ, मुझको भी कैसे मेमोरी नहीं लग रहा है यहाँ पे, कैसे मेमोरी नहीं होगा। आपको पता ही है, हार्ड डिस्क तो होना ही नहीं है, रैम भी नहीं होना। आपने सीएसए में कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पढ़ा होगा कि सीपीयू रजिस्टर के बारे में, कि सीपीयू के कौन कौन से रजिस्टर होते हैं। तो सीपीयू रजिस्टर के बारे में जब आपको पढ़ाया जाता है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है सीपीयू में प्रोग्राम काउंटर होता है हमारे पास। बेसिकली सीपीयू जो होता है हमारे पास, उसमें एएलयू भी होता है, उसके अंदर जो है हमारे पास कंट्रोल यूनिट भी होती है, और सीपीयू रजिस्टर होते हैं। तो सीपीयू रजिस्टर जो है उसमें हमारे पास प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, ये सब आपने वहाँ पे पढ़े हैं। तो आपको यहाँ पर पता ही है भाई, सीपीयू रजिस्टर है पीसी, तो सीपीयू का रजिस्टर होता है पीसी। अब आपको जब बुक में दिया हुआ है कि भाई सर ने तो बता दिया पीसी, कोई प्रूफ भी दो, बुक ने लिखा हुआ है, बुक में गलत कैसे है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर आप बेसिकली विकिपीडिया पे तो बिलीव करेंगे, ठीक है। आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जो है किसने दिया है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमन ने दिया है। तो जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में अगर आप देखेंगे तो जॉन वॉन न्यूमन ने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये विकिपीडिया पे आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। आप ये लाइन यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। इसमें लिखा है एक प्रोसेसिंग यूनिट विद बोथ एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर होता है उसके कंपोनेंट बताए हैं, डिजिटल कंप्यूटर के कंपोनेंट में एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ठीक है, हमारे पास कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, एक्सटर्नल मास स्टोरेज होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें उन्होंने बताया कि एएलयू होता है हमारे पास, यानी जो सीपीयू होता है हमारे पास उसके अंदर कंट्रोल यूनिट प्लस एएलयू प्लस सीपीयू रजिस्टर होते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्रोसेसर रजिस्टर है हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेसर रजिस्टर के बारे में देखो, यहाँ पे सीयू नहीं लिखा, इसने प्रोसेसर रजिस्टर लिखा, क्योंकि प्रोसेसर रजिस्टर सीयू का ही पार्ट होते हैं। अगर आप आर्किटेक्चर की इमेज देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट में ही लिखा है इसने, कंट्रोल यूनिट के अंदर ही हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मैंने अभी बताया था आपको, आईआर होता है, पीसी होता है, ये सब जो है यहां पर होते हैं। ऐसे ये रजिस्टर जो है हमारे पास सीपीयू रजिस्टर है मतलब, ठीक है। मेमोरी जो है हमारे पास, मेमोरी जो स्टोर करती है डेटा और इंस्ट्रक्शन को, वो अलग है। एक्सटर्नल मास स्टोरेज आप यूज करते हैं कंप्यूटर में, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो हमारे पास वो होता है प्रोग्राम काउंटर होता है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट हमारे पास सीपीयू का पार्ट है। आप और भी देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे टेक्नोपीडिया पे, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। तो इसने कहा प्रोग्राम काउंटर इज ए सीपीयू रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर एक सीपीयू रजिस्टर है इन द कंप्यूटर प्रोसेसर, कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर, जिसका काम होता है कि एड्रेस को स्टोर करना, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर को हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सिक्वेंस कंट्रोल रजिस्टर भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चा यहाँ पर जो है हमारे पास जो होने वाला है वो सीपी हुई होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे मेमोरी, हार्ड डिस्क या रैम नहीं होगा, इसका आंसर सीपीयू होगा, फोर्थ वाला आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा आंसर। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।